आंखों से टपक रहा कोरोना वायरस बढ़ा रहा संक्रमण, 24% गंभीर मरीजों के आंसू में पाया गया वायरस। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक खांसने और छींकने वाले व्यक्ति से ही सावधान रहने की जरूरत थी, लेकिन अब मरीज के आंसू से भी बचकर रहना होगा। दरअसल एक शोध में 24% मरीज के आंसू में कोरोना वायरस पाया गया है। यह शोध मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी व गुरु नानक नेत्र केंद्र के डॉक्टरों ने किया है। MMC के डॉक्टरों ने 18 से 81 साल के कोरोना संक्रमित 75 मरीजों पर यह शोध किया। इसमें 41 पुरुष और 34 महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें 39 मरीज गंभीर थे। इन मरीजों की सांस की गति प्रति मिनट 30 से अधिक और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 90% से कम था। ऐसे किया शोध मरीजों की कोरोना जांच होने के बाद उनकी आंख से अलग अलग तीन तरह से 225 सैंपल लिए गए। इसकी माइक्रोबायोलॉजी लैब में RT-PCR जांच की गई। इसमें 12% सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं कुल मरीजों में से 24% के आंसू में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। यह शोध मेडिकल जर्नल ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। थोड़ी कम गंभीर थी उन्हें निमोनिया का हल्का संक्रमण, बुखार, कफ, सांस लेने की गति प्रति मिनट 24 से ज्यादा व ऑक्सीजन का स्तर 90% से 94% के बीच था। वही 56 मरीजों 74.7% को पहले से हाइपरटेंशन, मधुमेह या कोई अन्य बीमारी थी। गुरु नानक नेत्र केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर रुचि गोयल ने कहा कि यह अध्ययन सिर्फ उन मरीजों पर किया गया है जिनकी हालत गंभीर थी। ऐसे मरीजों के आंसू से संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में होम आइसोलेशन में रहने वाला मरीज आंसू पोंछने के बाद यही किसी वस्तु को छूता है तो उस पर वायरस पहुंचने का खतरा है। ऐसे में मरीज की देखभाल करने वाले को मास्क के अलावा फेस शील्ड व आई शील्ड का इस्तेमाल भी करना चाहिए। शोध में शामिल डॉक्टर रितु अरोड़ा ने कहा कि हल्के संक्रमण वाले मरीजों के शरीर में वायरस की मौजूदगी काफी कम होती है। इसकी वजह से इनके आंसू से संक्रमण का खतरा नहीं होता है।